अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आपके सफ़र YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है HMC से आ रही है, यानी हमद मेडिकल कॉरपोरेशन से आ रही है। खबर यह है कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन एम्बुलेंस सर्विस एंड हार्ट हॉस्पिटल टीम सेव पेशेंट लाइफ इन अ रिकॉर्ड टाइम। साथियों, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से बताया गया है कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन वाले मरीज को वहाँ पर जान बचाई गई है, क्योंकि दोस्तों उनके एम्बुलेंस सर्विस की वजह से। क्योंकि साथियों, उनका अचानक उस पेशेंट का हार्ट टूटा था, जिसके बाद HMC की तरफ से तुरंत ही एम्बुलेंस को भेजा गया यानी हॉस्पिटल लाने के लिए। और HMC के द्वारा जो एम्बुलेंस इतनी अच्छी सर्विस दी, जिसके वजह से टाइम पर हॉस्पिटल से उस बंदे को पहुंचाया गया और उसके हार्ट का उसका वहां ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी जान बचाई गई, जिसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह जो है वो हो रही हैं। अगली खबर दोस्तों हमारे साथियों इंडियन भाइयों के लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों वीज़ा आप लोग के लिए फ्री किया जा रहा है। खबर क्या है पूरी पढ़ लेते हैं। श्रीलंकन अनाउंस फ्री वीज़ा एंट्री फॉर इंडियन। श्रीलंका विल अलाउ वीज़ा फ्री एंट्री टू विजिटर फ्रॉम 7 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट टिल मार्च 31, 2024। साथियों, यदि आप इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यदि आप श्रीलंका जाना चाहते हैं तो आपका वीज़ा बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, यानी किसी तरह का चार्ज वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में एंट्री आप ले पाओगे। खबर दोस्तों यह है कि श्रीलंका की तरफ से बताया गया कि 7 देशों को फ्री वीजा किया गया है। उन 7 देशों में दोस्तों इंडिया भी शामिल है। तो साथ ही ये ऑफर जो दिया जा रहा है लगभग 31 मार्च 2024 तक, यानी मान के चलिए कि लगभग 5 महीनों तक आप लोगों के पास दोस्तों वक्त है। यदि आप इंडिया के हो तो बिल्कुल फ्री में जाके आप लोग श्रीलंका को घूम फिर के आ सकते हो। वीजा का कोई भी चार्ज वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो ऑफिशियली ये श्रीलंकन एम्बेसी की तरफ से भी और श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया सभी इंडियन लोगों के लिए, जो भी इंडिया के लोग शामिल है, इंडिया लोगों को बिल्कुल फ्री वीज़ा दिया जाएगा। अगली जो खबर आ रही है, कतर हैंडबॉल टीम बीट्स UAE, अचीव 3rd कंसेक्यूटिव विक्ट्री एट पेरिस 2024 ओलंपिक एशियन क्वालिफायर। साथियों, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, पेरिस में 2024 ओलंपिक एशियन गेम चल रहा है, जैसा कि आप जानते हो, नहीं जानते हो मैं आपको बता दिया हूँ। तो साथियों, उस एशियन गेम में कतर ने हैंडबॉल में UAE को यानी दुबई को वो हरा दिया है और 3rd कंसेक्यूटिव विक्ट्री की तरफ दोस्तों पहुँच चुका है। तो दोस्तों, कतर नेशनल हैंडबॉल टीम जो है एशियन मेंस हैंडबॉल क्वालिफिकेशन में 33वां 3rd समर ओलंपिक गेम में दोस्तों 2024 में जो हो रहा है उसमें वो जीत हासिल कर चुका है, जिसमें UAE को हरा के दोस्तों ये पहुंचा है। अगली खबर दोस्तों आ रही, कतरी आर्म फोर्स डिस्पैच 87 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड वाया इजिप्ट टू सपोर्ट गाजा रिलीफ वर्क। दोस्तों, कतर के आर्मी फोर्स के तरफ से लगभग 87 टन का ह्यूमैनिटेरियन यानी लोगों को इस्तेमाल के लिए चीज़ों को भेजा गया मिस्र के जरिए गाजा में। यानी दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी, जिसमें गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो इसमें लगातार जो है कतर मदद कर रहा है। तो साथ ही लगभग 87 टन फिर से मदद गाजा के लिए भेजा गया है। दोस्तों, ये डायरेक्ट कतर नहीं भेजा गया, दोस्तों भेजा गया मिस्र के वाया होके भेजा गया, क्योंकि दोस्तों मिस्र का बॉर्डर उसका नज़दीक पड़ता है, तो मिस्र के होकर दोस्तों ये भेजा गया। अगली जो खबर दोस्तों आ रही साथियों, वो हज रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही। तो भाई, बस आपको बता दूं कि हज रजिस्ट्रेशन का डेट को फिर से इस्लामिक एंडोमेंट ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से बढ़ा दिया गया है। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट इस्लामिक अफेयर की तरफ से हज का रजिस्ट्रेशन की डेट फिर से बढ़ा दी जाती है 26 अक्टूबर 2023 1 बजे तक। तो यदि आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो www.haj.gov.qa पे जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर सकते हो और अगले साल के हज के लिए आप जा सकते हो। तो ये ऑफिशियली इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट इस्लामिक अफेयर की तरफ से अनाउंसमेंट की गई। तो दोस्तों, छोटी सी खबरें थी, अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद एंड टेक केयर।